आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का वीडियो में बात करने वाले स्पेशल एग्ज़ाम बैकलॉग एग्ज़ाम के बारे में। पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी में आपके लिए हम सभी लोग काम करने वाले हैं, और इस समय पे आप सभी को आगे आकर इसका समर्थन करना पड़ेगा। घर में बैठकर सोचिएगा कि कोई आगे आपके लिए आगे करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। इस बार अगर आप देखे हुए ग्राउंड लेवल पर, तब आपके लिए कुछ हो सकता है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो लोग चैनल पर पहली बार आया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो बात मैं बताऊँगा इसमें कोई भी चेंजेस अगर देखने को मिलेगा तो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम अपडेट कर देंगे, तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे बड़ा बात, बैकलॉग एग्जाम है, स्पेशल एग्जाम। आप सभी को मालूम है कि ये जो एग्जाम होता है वो बहुत सालों के, बहुत महीनों के बाद होता है। अगर आप डिप्लोमा में किसी सेमेस्टर में फेल करते हो तो अगर इसका एग्जाम जो होता है वो साल भर के बाद में लगभग होता है। मगर हमारा प्रयास क्या है कि जो 2019-22 के मेरे बैचमेट हैं उसमें किसी भी स्टूडेंट का अगर बैक लगा है किसी भी कारण से, अगर उनका खुद का गलती के कारण से या फिर उनका मिस्टेक हुआ, तो उनको स्पेशल एग्ज़ाम देना होगा उस सब्जेक्ट का। और उसका एग्ज़ाम कब होगा? अगर हम लोग छोड़ देंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, तो इसका एग्ज़ाम अगले साल जब 2020-23 का एग्ज़ाम होगा ना मई महीना में, तब इसका एग्ज़ाम होगा। मगर चाहते क्या कि स्पेशल एग्ज़ाम एक हो जाए जिसमें पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इसी साल हो जाए, और उनका ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल पासिंग में क्या लिखा रहे हैं, 2022 लिखा हुआ है, ये वर्ड को मिले, इसलिए एग्ज़ाम को हम लोग मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर जब भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में कहा है कि एक फीडबैक फॉर्म में हमेशा शेयर किया करता था अपने डिस्क्रिप्शन में, लगभग स्टूडेंट ने उनमें फॉर्म भरा है। लगभग मतलब पहले भरे थे 12-14 लोग, जब हम एक दो बार आकर समझाए बताए आप लोगों को, तब इसकी संख्या लगभग 25-30 हो गया है। भर दिए कि हाँ वो लोग रांची आएंगे। अब क्या है कि 19 तारीख मतलब सोमवार के दिन, ये 19 जो 2-3 दिन के बाद आने वाला है, इसी दिन सोमवार के दिन हम लोगों जेयूटी जाएंगे। जेयूटी कौन कौन जाने वाले हैं आपके लिए? हम जाने वाले हैं और तकनीकी शिक्षा विद्यार्थी परिषद के जो प्रदेश आयोजक अभिषेक भैया हो गए और प्रदेश संयोजक पढ़ने राज भाई हो गए, ये दोनों जाने वाले, और इनके नेतृत्व में सभी लोगों का जो मांग है बैकलॉग एग्जामिनेशन जल्द से जल्द लिया जाए, स्पेशल एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाए, और रीटोटलिंग का जो लोग भी बच्चे प्रोसेस किए उसका रीटोटलिंग का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, इसको लेकर मांग करने वाले हैं। और साफ साफ सभी को कहना, मेरा खुद का भी और उनका भी यही स्टैंड है कि अगर स्टूडेंट वहाँ 50 की संख्या में पहुँचेंगे, पहले तो मैंने कहा था 100-200 आइए, मगर आप लोगों का जो एकता को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 50 लोग अगर आएंगे तो आपके लिए जेयूटी में 19 तारीख को हम लोग वहाँ पर मांग रखेंगे, लेटर देंगे। और आपको मालूम है जब जब TSBP ने चाहा, जब जब हम सभी लोगों ने मिलकर कोई काम को किया, वो काम हमेशा हुआ है, क्योंकि जो 19-22 वाले इनको मालूम है कि इनको 1 से लेकर 5 हमेशा तक प्रमोशन कौन दिलवाया है। बात कर लेते हैं स्पेशल एग्जामिनेशन के, बैकलॉग एग्जामिनेशन के बारे में, कि जो भी सेशन के, चाहे वो 17-20 के किसी भी पेपर में बैक लगा हुआ हो, 18-21 वाले को बैक लगा हो, 16-19 वाले को बैक लगा हो, मतलब किसी भी पेपर किसी भी सेमेस्टर में, तो अगर आप चाहते हो कि आपका सेशन का भी नाम को लेटर में मेंशन किया जाए, तो उस जगह पर आपको दिखना होगा। अगर यूनिवर्सिटी में आप लोग भीड़ में आइएगा, दिखिएगा, तब आपके लिए वहाँ पर मांग रखा जाएगा। कोई तरह का प्रदर्शन नहीं होने वाला, बल्कि शांतिपूर्वक ढंग से एक डिमांड किया जाएगा यूनिवर्सिटी से कि सर इस पर विचार किया जाए, इस पर जल्द से जल्द कोई सकारात्मक ठोस कदम उठाया जाए। अगर कदम उठ जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कदम नहीं उठाई जाएगी तो आगे की रणनीति तब तय किया जाएगा। तो आप लोग आइएगा, ऐसा उम्मीद है। और एक निवेदन भी है कि जितने लोग मेरे फॉर्म्स को भरे हैं, फीडबैक फॉर्म को, सभी लोग जो भरे मैंने देख लिया। अब कल संडे है, कल हम हर एक स्टूडेंट को कॉल करेंगे जो जो फॉर्म भरे हैं मेरा, और सभी से मैं बात करना चाहूँगा। और उसमें से अगर मेरे फॉर्म में से 90% लोग बोलेंगे कि आएंगे, तब मैं मंडे को साथ में जाऊँगा, और मेरे ही जो फॉर्म भरे हैं मेरे वीडियो को देखने के बाद, वही लोग मगर बोल देंगे नहीं भैया हम नहीं आ पाएंगे किसी भी कारणवश, तो हम खुद नहीं जाएंगे। फिर TSBP के लोग करेंगे कि नहीं करेंगे वो जानेंगे, और आप जानिएगा। अगर चाहते हो कि JUT में हम अपना भाड़ा खर्च करके जाए आपके लिए, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि हम आ रहे हैं, आपसे बात किया जाएगा किस प्रकार से आप आ रहे हो, कैसे आना है। अब समझते हैं JUT में पहुंचना कितना बजे आप लोगों को। देखिए JUT का जो एड्रेस है आप गूगल मैप में या क्रोम में खोल कर देख सकते हो। जैसे भी आप रांची पहुंचिए, चाहे बस से पहुंचिए या फिर ट्रेन से पहुंचिए, मंडे को सभी के घर में पूजा है, जितिया पूजा, हमारे घर में भी होता है, और हमारे घर से मना भी किया गया कि तुम मंडे को कहीं मत जाओ, मगर फिर भी हम आपके लिए ये काम करेंगे, क्योंकि मंडे ऐसा दिन बनाया गया है हम लोगों को बात होने के बाद कि उस दिन करने से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो रांची आप सभी को बस या ट्रेन से आ जाना, और आने के बाद में यहाँ से आना है आप सभी को JUT कैंपस। अगर JUT कैंपस रांची आने के बाद नहीं पहुँच पाते हो, तो आप कहीं से भी टोटो पकड़ लीजिए या ऑटो पकड़ लीजिए, और ऑटो वाले को बोलिए कि हमको जाना है काटा टोली, एक टेम्पू स्टैंड है वहां जाना, और यहां से फिर ऑटो पकड़िए, बोलिए कि हमको जाना है नामकुम, और नामकुम में ही आप सभी का
JUT ऑफिस भी है और JCCB का ऑफिस भी इसी कैंपस में है। हम अगर चले गए तो हम मंडे को भी रांची में रहेंगे और ट्यूजडे को भी रांची में रहेंगे। मंडे को रांची में रहेंगे आप सभी का JUT वाले काम से और ट्यूजडे को हम रहेंगे वहाँ पर JCCB वाले काम से। तो जो लोगों को जानना है, जो लोगों को आना है, वहाँ पहुँचिए और पहुँच कर दिखाइए आप है। अगर 5-6 लोग आएंगे तो कोई भी तरह का लेटर नहीं दिया जाएगा, कोई भी तरह का मांग आपके लिए नहीं रखा जाएगा और दोबारा कभी भी वीडियो टॉपिक पर नहीं आएगा। इसलिए अपने अपने घर से निकलिए और भाड़ा खर्च कीजिए, क्योंकि हम हुए हैं पास, अभिषेक भैया हुए हैं पास, पढ़ने भाई हुए हैं पास, मगर फिर भी वो हम तीनों लोग और बहुत लोग मिलकर आपके लिए कदम उठा रहे ताकि आपका व्यवस्था हो सके, आपका एग्जाम सही समय पर हो सके, आपका सेशन, आपका ईयर बच सके। इसलिए आप लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमको मालूम है कि झारखंड में केवल 24 लोग नहीं फेल किए, अगर 24 लोग 25 लोग फेल करते ना तो इस कंडीशन में कभी भी एग्जाम JUT नहीं लेगा, ना हम दिलवा पाएंगे ना वो एग्जाम लेना चाहेगा। ये क्या कर देगा, ये नेक्स्ट ईयर फिर एग्जाम लेगा। अगर बच्चे का संख्या 200-300 है फेल वालों का, तब ये एग्जाम के लिए कोई नोटिस निकालेगा और एग्जाम को लेगा, क्योंकि इसके पीछे जो खर्च होगा उस खर्च को JUT निकालना भी चाहेगा एग्जाम फॉर्म भरवाने के मकसद से। तो अगर इतने बच्चे फेल किए, क्योंकि आप सभी को मालूम है आपका बैच में कौन बच्चा फेल किया है, कौन ब्रांच में फेल किया, उस सभी बैचमेटों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए कि 19 तारीख को आप सभी को आना है रांची, रांची में JUT कैंपस पहुँचना है। कितना बजे? तो सुबह वहाँ पे 10:30 बजे पहुँचिए। 10:30 बजे के बाद जब सभी का इकट्ठा हो जाएंगे तो लगभग सुबह के 11 बजे तक हम लोग इस डिमांड को रखेंगे और आपके सामने आकर बताएंगे भी कि क्या बोला गया और उनका क्या फीडबैक रहा। इसलिए आप वहाँ पहुँचिए। और अगर 10:30 में लगभग 50 स्टूडेंट नहीं पहुँचते हैं तो फिर वहाँ जाएंगे और रांची को घूम घाम के आराम से आ जाएंगे, हम कुछ नहीं करने वाले। अब डिपेंड करते हैं कि इस वीडियो को 2 दिनों के समय में आपका बस आपके पास आज भर समय है और कल भर, इस समय में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने लोग फेल किए, जितने लोग का स्पेशल एग्जाम का मन है, बैकलॉग एग्जाम वाले स्टूडेंट है, सभी लोग हमको ईमेल के माध्यम से पर्सनली आप लोग अपना अपना नंबर भेज दीजिए कि हाँ भैया मेरा ये नंबर, आप हमसे बात कर लीजिए, हम आएंगे। हाय हेलो मत कीजिए, डायरेक्टली लिखिएगा भैया हम रांची आने वाले, मेरा ये नंबर, इस पर हमसे बात कर लीजिए, आपसे मैं बात कर लूँगा, आपको बता दूंगा किस तरह से आना है। और एक दिन में आप आकर लौट भी सकते हो, प्रोग्राम स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर का 2:30-3 बजे का, उसके बाद में आप भी अपना घर, हम भी अपना काम में लग जाएंगे, उसके बाद कोई भी काम नहीं। तो अपना आने का भी टिकट दे सकते हो, अपना जाने का भी टिकट खुद से कर सकते हो। ठीक है, अब समझ में आया होगा आप सभी को ये जो बात में हम लोग करने वाले हैं, इस पर आपका एकता बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप लोग आइएगा, आइएगा तो काम होगा, नहीं आइएगा तो जय हिंद जय भारत हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, मिलते हैं हम लोग सीधा मंडे को इस टॉपिक पर।